फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप सोचते हैं अगर कोई इंग्लिश में आपसे चैटिंग करता है व्हाट्सएप में तो आप उसका रिप्लाई क्या करो। तो फ्रेंड्स, इसका आज मैं एक हल निकाल के आया हूँ, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। जैसे कि कोई आपके पास इंग्लिश में चैटिंग करता है, जैसे लाइक हु आर यू वो लिखता है, हु आर यू, अगर आपको नहीं पता या फिर वो कुछ कठिन इंग्लिश लिखता है जो आप समझ नहीं पाते, तो उसके लिए एक मस्त चीज बता रहा हूँ जिससे आप वो जान पाओगे कि वो क्या बोल रहा है, सामने वाला इंग्लिश में क्या बोल रहा है, आप बड़े आसानी से जान पाओगे उस चीज को। तो कैसे जान पाओगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो तब आपको समझ आएगा कैसे जान। सो हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग हम टेक्नो वाले बाबा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेट कैसे करोगे किसी भी चैट को, किसी भी व्हाट्सएप के चैट को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां पर वीडियो देख पा रहे होंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेंज करोगे एक इंग्लिश को हिंदी में। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं किससे होता है। ये एक ऐप से होता है जिस ऐप का नाम है स्नैप ट्रांस। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इस ऐप को आप जनरली अच्छे से यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस ऐप का नाम है स्नैप ट्रांस जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब आगे के इंटरफेस मोबाइल में, तो चलो आप देखते हैं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो इंटरफेस मोबाइल का, तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा ऐप है, उसे डाउनलोड कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सिंपली सा हमने लिख लिया है स्नैप ट्रांस, और जैसे ही हम स्नैप ट्रांस सर्च करते हैं तो ये सीधा ऐप आ जाता है, स्नैप ट्रांस लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स, इस ऐप को चलो इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास ये ऐप डाउनलोड हो गया है और इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या इंटरफेस होता है। चलिए इसको ओपन करते हैं, ये है स्नैप ट्रांस। तो हमने यहाँ पास क्लिक कर लिया है और ये ओपन हो रहा है इस तरह से। सो यहाँ पास आप देख सकते हो इधर लिखा हुआ है ट्रांसलेट चैट इन 1 सेकेंड, तो ये सही में जल्दी से ट्रांसलेट कर लेता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड में। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करते हैं। एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करने के बाद चलो इसको एक्सेसिबिलिटी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर इनेबल कर लेना है, ओके कर लेना है, फिर बैक आना है, फिर से बैक आना है, इसके बाद नेक्स्ट में करना है। तो यहाँ पर हमने एक्सेबिलिटी अलाउ दे दिया, उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ ओवर द ऐप में क्लिक करना है सबसे नीचे, उसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पर इसको इनेबल कर लेना है परमिट ड्राइंग ओवर द ऐप, उसके बाद यहाँ बैक आना है, फिर यहाँ पर डन क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप स्नैप ट्रांस यूज करोगे तो आपको नेट की जरूरत रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास आप इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ सकते हो। तो चलिए हम गेट स्टार्टेड में जाते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर स्टार्ट करते हुए आपके सामने ऐसा इंटरफेस है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग प्रेस टू मूव, तो लॉन्ग प्रेस करते हैं, मतलब दबाए रखे रहना है, फिर यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ से हम अब सेटिंग कर सकते हैं कि हाँ इंग्लिश से हमें हिंदी चाहिए कि हिंदी से इंग्लिश चाहिए। तो मैं सिंपली से अभी इंग्लिश से हिंदी रखा हूँ। तो यहाँ पर दिखाया गया हमारे फ्रेंड का हिंदी मैंने किया है और मेरा इंग्लिश। तो यहाँ पर चलिए फिर से इसको चेंज कर लेते हैं कि मेरे फ्रेंड का इंग्लिश रहेगा, मेरा इधर हिंदी रहेगा, तभी आप इंग्लिश का हिंदी में चेंज कर पाओगे। अगर कोई भी इंग्लिश में भेजता है तो अब हिंदी में हो जाएगा। इधर हमें लेफ्ट हिंदी रखना है अगर हमें हिंदी चाहिए। तो यहाँ पर चलो प्रेस करते हैं ताकि ऑन हो जाए। यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है और यहाँ पर देखिए ऑन करते ही ये आ गया छोटा सा, इसी कारण हमने ड्रॉ ओवर द ऐप को परमिशन दिया था। तो चलिए देखते हैं आप इंटरफेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने एक व्हाट्सएप का चैट खोल लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने इसके पास सेंड किया है फ्रॉम वेयर ही हेड और क्वेश्चन मार्क लगाया है। अगर क्वेश्चन मार्क ना लगाऊं तो इसमें गलत दिखा देगा, क्योंकि जैसे इंग्लिश है वो परफेक्ट इंग्लिश लिखना रहता है फिर सही दिखाते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर ही हर्ड, तो इसको हमें इंग्लिश हिंदी में जानना है। तो हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट साइड हमने ट्रांस ऐप में हिंदी रखा हुआ था, इस कारण अब ये हिंदी में आएगा। तो हम इस चीज़ को पकड़ेंगे, इस चीज़ को, यहाँ पर जो गोला गोला छोटा सा है ना, इस चीज़ को पकड़ रहेंगे। आप देख सकते हो सर्च जैसा है, इस चीज़ को हम पकड़ रहेंगे और यहाँ पर ऐसे रखे रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे रखे रहना है और ये सर्च करके ऑटोमेटिक बता देगा। यहाँ पर देख सकते हो इस चीज़ ने बता दिया है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, यहाँ पर दो दो ऐप मैंने ड्रॉ किए हुए हैं।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उसने कहाँ से सुना, तो यही मैंने लिखा था इंग्लिश में जो हिंदी में दिखा दिया। तो फ्रेंड ऐसे ही आप जो वो सेंड किए हैं उनका भी आप देख सकते हो। चलो दिखा देते हैं आपको इंटरफेस। तो फ्रेंड जैसे कि इस आदमी ने मेरे पास सेंड किया कि सेंड करके लिख कर मेरे पास भेजा सेंड। अब मुझे सेंड का मतलब नहीं पता, तो मैं उसको पकड़ के इसमें क्लिक किया रहा, तो यहाँ पास अपने ही आप दिखा दिया भेजना लिखा हुआ। यहाँ पास आप देख सकते हो भेजना करके लिखा हुआ है। यहाँ पास आप देखे होंगे अभी सेंड लिखा है, फिर जैसे मैं इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ लाऊंगा तो यहाँ पर रखे ही रहूंगा ऐसे ही, तो वो अपने आप दिखा देगा हिंदी में कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए फिर से देखते हैं यहाँ पर भेजना लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ था जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर फ्रेंड्स आपको हिंदी का इंग्लिश में जानना है कि हिंदी का इंग्लिश में क्या करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। अगर फ्रेंड्स आपको हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ था व्हाट्सएप में तो हमने हिंदी में करके देखा, तो अगर वहाँ पास अगर हिंदी में लिखा हुआ और आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप इस चीज़ को सिंपली सा हटा देना, तो आप इस चीज़ को सिंपली सा चेंज कर देना। यहाँ हिंदी है तो यहाँ इंग्लिश आ जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर क्लिक करने से ऐसा हो गया तो अब इंग्लिश में आएगा। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप ऐसा रख देना तो आप हिंदी में आएगा। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया वो समझ आया आपको, मैंने बहुत ही इजी वे से समझाने की कोशिश किया। फ्रेंड्स अच्छा लगने पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ओनली 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आपको लगता है मैं सही चीज बताते रहूंगा तो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज देखते रहना है, ऐसे टेक वीडियोज देखते रहना, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन का प्रेस जरूर करना ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।